दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी ने रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बड़े और भारी आरोप लगाए गए भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी के ऊपर, और इस रिपोर्ट के आने के मात्र 3 दिन के अंदर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को $65 बिलियन का नुकसान हुआ और इसी वजह से अडानी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे और गौतम अडानी के ऊपर ऐसे क्या आरोप लगे थे जिसने सब कुछ खत्म कर दिया? यहाँ तक कि हिंडनबर्ग की अपनी रिपोर्ट पर इतना भरोसा है कि उन्होंने खुद गौतम अडानी को चैलेंज करके कहा कि अगर हिम्मत है तो लीगल केस फाइल करो, देखते हैं कौन सच्चा साबित होता है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये पूरा खेल चल क्या रहा है और किस तरह एक रिपोर्ट ने गौतम अडानी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। गौतम अडानी को तो हर कोई जानता है, लेकिन आइए जरा हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी को नाथन एंडरसन ने शुरू किया था, ये एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है। एंडरसन एनालिसिस करते हैं और इनके एनालिसिस अधिकतर सही साबित होते हैं, लेकिन इस बार जब उन्होंने अपना एनालिसिस सामने रखा तो वो भी कोई छोटी मोटी कंपनी के बारे में नहीं था, बल्कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी के बारे में था, जो उस वक्त तो भारत के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान चल रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट लोगों के सामने रखी, गौतम अडानी लगातार नुकसान में आते चले गए और इस तरह एंडरसन ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की शॉर्ट सेलिंग कर दी इस उम्मीद से कि कंपनी का प्राइस नीचे आएगा और इन्हें मुनाफा मिलेगा। ऐसे में अगर इनके द्वारा लगाए गए 88 आरोप गलत साबित होते हैं तो अडानी ग्रुप वापस से उछाल मारता है, तो गौतम अडानी को एंडरसन के ऊपर केस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि शॉर्ट सेलिंग की वजह से वो ऑलरेडी इतने नुकसान में चले जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अभी तो मामला गर्म चल रहा है क्योंकि इस वक्त नुकसान में गौतम अडानी है, जिनके ऊपर एक दो नहीं बल्कि पूरे 88 आरोप लगाए गए हैं। और ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, बल्कि अडानी ग्रुप के पास साथ में जो इंडस्ट्रीज है और जो बहुत अलग अलग एरिया में फैली हुई है। कुछ समय पहले अडानी ग्रुप केवल गुजरात तक ही सीमित था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। ग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि एक समय पर अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए, जिनके नेटवर्थ $120 बिलियन हो गई, जिसमें से $100 बिलियन पिछले 3 साल में कमाया गया। अब ये चीज तो लोगों को पहले से ही पता थी कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो हाइप है, यानी कि कंपनी जिस तरह से तेजी से ग्रो कर रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कंपनी की ओवर वैल्यू है, यानी कि जितना इनका कंपनियों की कीमत नहीं है उससे कहीं ज्यादा उसके स्टॉक्स की कीमत है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने तो तहलका मचा दिया। इनकी 106 पेज की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड कर रही है, जिनका कहना है इस रिसर्च को करने में इन्होंने 2 साल से ज्यादा का वक्त लगाया है। ये अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, टैक्स की चोरी करना, ऑफशोर कंपनियों को बनाया जाना। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनी 4 अलग अलग गवर्नमेंट फ्रॉड में शामिल रही हैं। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को टैक्स फ्रॉड करने के लिए इल्जाम में 2 बार जेल भेजा जा चुका है और बाद में इन्हें अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना दिया गया। अगला आरोप लगाए गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर, जिनके बारे में कहा गया है कि डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के लीडर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में इन्हें अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोट कर दिया गया। फिर आरोप लगता है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर, जिन्होंने अलग अलग देशों में जाकर ऑफशोर शेल कंपनी बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग की। इनके कहने के मुताबिक कई सारी शेल कंपनी है जिनकी वेबसाइट तक नहीं है और जिनकी वेबसाइट है उनकी केवल फोटोज लगाई गई हैं, ना ही उन कंपनियों में कोई एम्प्लॉई है और ना ही कोई एड्रेस। और यही सब आरोप आज अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नीचे डुबोते जा रहे हैं। हालांकि जब ये रिपोर्ट सामने आई तो सबकी नजर गौतम अडानी पर थी कि आखिर वो क्या कहेंगे, उनका जवाब क्या होगा, लेकिन अब उन्होंने अपनी बात कह दी है। जी हाँ, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का अडानी ग्रुप ने एक डिटेल रिप्लाई दी है
जिसमें उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग कंपनी ने पूरी सिचुएशन को अपना खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अडानी ग्रुप्स का कहना है कि अभी एफपीओ आने वाला है जो मार्केट प्राइस से 10% नीचे है, इसलिए स्टॉक का प्राइस कलेक्ट होने वाला है। सही टाइम का इस्तेमाल करते हुए मौके पर चौका लगाकर हिंडनबर्ग कंपनी ने शॉर्ट सेलिंग की और मोटा पैसा कमाया। साथ ही साथ अडानी ग्रुप का कहना है कि 88 आरोपों में से 65 आरोप ऐसे हैं जो पब्लिक रिपोर्टों में, वेबसाइट में या फिर एक्सचेंज को ऑलरेडी सबमिट हो रखे हैं, यानी इसकी सफाई पहले से ही देख दी गई है। और 18 ऐसे आरोप हैं जो पब्लिक डिस्क्लोजर और थर्ड पार्टी डिसीजन से रिलेटेड है। वहीं बचे हुए 5 आरोप बिल्कुल बेसलेस है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, यूं ही अडानी ग्रुप के ऊपर उन्हें बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं। इस पूरे केस में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्या अडानी ग्रुप बिल्कुल हार जाएगा और उसकी कंपनी डूब जाएगी, या फिर हिंडनबर्ग का भी वही हाल होगा जो एनडीटीवी के साथ हुआ था? ऐसे में दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा खेल क्या चल रहा है। हिंडनबर्ग कंपनी ने अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए और फिर उसे शॉर्ट सेल कर दिया ताकि जब कंपनी के शेयर नीचे जाएं तो हिंडनबर्ग को फायदा हो, ऐसा हो भी रहा है। लेकिन अडानी ग्रुप अपने ऊपर लगने वाले सभी आरोपों की सफाई दे रही है, कुछ को बेबुनियाद कह रही है और ये सिलसिला इसी तरह चलता जा रहा है। अब इसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो समय ही बताएगा। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये हम जरूर जानना चाहेंगे, इसलिए कमेंट में अपनी राय बताना मत भूलना और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।